तो गाइज कच्चे तेल का भाव जो है वो घट रहा है, ट्रेजरी यील्ड जो है वो भी नीचे आ चुकी है, तो मार्केट में खबरें तो पॉजिटिव हैं। पर साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 दिन की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आज से शुरू हो चुकी है, 6, 7, 8, 3 दिन ये मीटिंग चलेगी, और उसके बीच में मार्केट जो है कहीं ना कहीं वहां पे वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, साथ में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। और वैसे भी अभी हम लाइफ टाइम हाई पे आ चुके हैं, लाइफ टाइम हाई पे आ चुके हैं, मार्केट में पॉजिटिविटी है, मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, पर लाइफ टाइम हाई पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग्स आएंगी, जहां पीक बनेगा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जहां पे गिरावट देखने को मिलेगी वहां पे नए ट्रेडर्स फिर से अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे एंट्री करने की और वहां पे खरीदारी करने की। तो मार्केट जो है हम वोलेटिलिटी देखने वाले हैं मार्केट के अंदर, और ऊपर के स्तरों पे बिकवाली देखने को मिलेगी, और नीचे के स्तरों पे वहां पे दोबारा से खरीदारी भी आते हुए नजर आएगी, और इवेंचुअली मार्केट को तो ऊपर ही जाना है।